महू में ग्रामीण चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह गौड़ का धुआंधार जनसंपर्क देखने को मिला। जब वो घर पर जाकर लोगों से रूबरू हुए तो लोगों ने कई तरह की मूलभूत सुविधाएं परेशानियों से उनको अवगत कराया। जनसंपर्क के दौरान गौड़ ने कहा कि मैं आश्वासन नहीं बल्कि आपको काम करके बताऊंगा। मैं आपके द्वार पर वोट मांगने नहीं बेटा भाई बनकर आया हूं। आप मुझे जिला पंचायत की कुर्सी पर बैठा दो, मैं आपको विकास कार्यों की सौगात दूंगा। हालांकि गौड़ के सामने बीजेपी से राकेश यादव, दिनेश सिंह चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार गौड़ को ग्रामीण जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जिला पंचायत का चुनाव में सीट निकलने की एक उम्मीद सूरज के चुनाव चिन्ह के साथ दिखाई दे रही है। इधर गौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग से मुझे सूरज का चिन्ह मिला है, इसकी किरणें वार्ड 9 में चमकती हुई दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता को विकास कार्यों के नाम पर त्रस्त किया है, लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो मेरी सरकार जनता रहेगी और तमाम फैसले उन्हीं के मार्गदर्शन में करूंगा, क्योंकि अब जनता भी बीजेपी के रीति नीतियों से परेशान होकर परिवर्तन की उम्मीद लेकर चल रही है। लोकतंत्र के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन की उम्मीद जागी है। बहुत गर्मजोशी से क्षेत्र की जनता हमारा स्वागत कर रही है और सत्ता विरोधी लहर साफ साफ दिख रही है और निश्चित तौर पर हम जिला पंचायत में एक बड़ी सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। जनता के साथ मूलभूत सुविधाएं क्या आपको बताएं यहाँ पर? सड़क नाली की व्यवस्थाएं बहुत ही खराब स्थिति में है और इसके अलावा बाकी और समस्याओं तक हम रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। दिनों का दावा करना तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि सबसे पहले मैं मेरे अधीनस्थ जनप्रतिनिधियों से, समस्त जो मेरे कार्य क्षेत्र में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, उनसे समन्वय स्थापित करूंगा, एक रोड मैप तैयार करूंगा और उसके बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगा कि कितने समय में हम समस्याएं पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे। पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद? पहली प्राथमिकता अगर मैं जिला पंचायत के लिए चुना जाता हूँ तो मैं जिला पंचायत में शिक्षा क्षेत्र के लिए समिति में जगह मांगूंगा और पूरे ज़िले में जो हमारे छात्र हैं उनको अखिल भारतीय परीक्षाओं की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए और मैं उनका उत्साह बढ़ाऊंगा और क्षेत्र में अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए एक माहौल निर्मित करूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह गौड़, मैं जिला जनपद इंदौर के वार्ड क्रमांक 9 से कांग्रेस के समर्थन से प्रत्याशी हूँ। भारत माता की जय। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट।